हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है। हमारी कंपनी का नाम है हाइट्रॉन इंडस्ट्रीज। ये एक पॉडकास्ट वीडियो है। आज हमारे पास गेस्ट आए हैं। आप लोग सर कहाँ से आए? नागपुर से आए। नागपुर से आए। बस थोड़ा सा हम लोग थोड़ा तेज बोलेंगे, क्योंकि माइक मेरे पास एक हाँ था तो ठीक मैंने है। मैम को दे दिया। थोड़ा सा तेज बोलेंगे ना तो आवाज़ हमारे दर्शक भी सुन पाएंगे। तो हम लोग नागपुर से इतनी दूर से आए, तो ये जो जर्नी आपकी नागपुर टू कानपुर आई है, ये मेरे ख्याल से 800 से 1000 किलोमीटर से ऊपर की हाँ है। हजार हजार 1000 किलोमीटर। एंड ये 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आपको बहुत मतलब हिम्मत लगी होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, आप मेरे को देखोगे एक दो वीडियो में, ऐसे कोई भी व्यक्ति पहुंच नहीं जाता कहीं पर भी। मैं भी नहीं पहुंच जाऊंगा कहीं पर भी। तो आपने मेरे कितने वीडियोस देखे होंगे? हमने कम से कम आपके 50-60 वीडियो देखे। 50-60 के आसपास आपने देखे। फिर आपने हिम्मत जुटाई, लोगों ने, आप तीनों ने, आप तीनों का मतलब एक क्या है, आप लोग एक तरीके से एक फैमिली मेंबर्स हैं। आप लोग जी, फैमिली 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 हैं। अच्छा, तो आप लोग काम कर रहे हैं वहां पे, समूह का काम कर रहे हैं कुछ? हाँ सर, सब 6 भाई लोग हैं हम बचत अच्छा गट के, अच्छा और हमने इससे पहले करे भी, अच्छा पर वो थोड़ा सा यानी गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो चलो कोई गई, बात हम नहीं समझे नहीं, जी। कुछ हमको अनुभव नहीं था उस बात का। अच्छा, अभी वीडियो देखे तो हमको कैसा। यहाँ आके तो हमको सब पता ही चल गया हाँ, वो ना हम लोग माल। अभी आप लोगों से बात कर चुके हैं हाँ और सर, काफी आपके साथ हमारा डिस्कशन हुआ, तो उसके बाद हमने सोचा कि एक छोटा सा एक हम लोग बात भी कर रहे हैं। जो भी बात आपके मन में, कोई भी सवाल होंगे रिलेटेड टू काम से रिलेटेड, वॉशिंग पाउडर से रिलेटेड, अभी भी, चाहे वो सेल्स के हों, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हों, चाहे वो प्रोडक्ट की कोई भी बात हो, आप अभी हम सभी दर्शकों के सामने पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो ऐसे ही लाइव जाएगा। और इससे क्या होता है कि कई, ये जो आपके मन के सवाल है ना, ये कई सवाल हमारे दर्शकों के भी हो सकते हैं, तो उनको भी जवाब मिल जाता है, सवाल के सवाल हो जाते हैं, और एक हम लोग भी बातचीत कर लेते हैं सबके सामने। तो कुछ भी आपके मन में सवाल हो काम से रिलेटेड, अभी आपके सवाल आ रहा तो है। सर बहुत थे। आपने हाँ एक घंटा जो हमको समझाया है, तो जी, हमारे पूरे सवाल ही यानी जवाब मिले जवाब आपको, सवाल के सब जवाब मिल गया। मिले। हर मतलब सवाल का आपको इतनी दूर आने का, कहते हैं ना कि एक होता है कि आदमी को लगता है कि मुझे वर्थ फील हाँ हुई, क्या आके यहाँ पे वर्थ फील हुई। मतलब हाँ सर, जो व्यक्ति को आप YouTube पे देख रहे थे 50 वीडियो में, और वो व्यक्ति ने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया, चलिए, हाँ मतलब सर ये मेरे जी लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि अगर आप लोग ने ऐसा फील किया तो। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि रियलिस्टिक चीजें रखें। हमने बातचीत भी आपको बहुत डिटेल में हम लोग ने करी थी, जो जो सवाल थे आपके सेल्स से रिलेटेड, कि वो कैसे उसको बेचें, किस रेट पे बनाया जाए, किस रेट पे हमको क्या क्वालिटी में अमाउंट बचेगा, ये सारी चीज़ें, डिस्ट्रीब्यूटर को क्या मार्जिन देना है, ये सब मैंने आपको लिख के जी दिया हाँ पेपर लिख के पे, दिया ठीक लिख है। और ये भी बताया कि क्वालिटी एक रेट पे, किस रेट पे बननी चाहिए, कॉस्ट प्राइस क्या होनी चाहिए और क्या उसकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, सब मैंने आपको लिख के दिया। के एक मोटी मोटी प्राइस लिस्ट आपके पास आ गई। अच्छा, अभी आपने एक प्रैक्टिकल भी किया बाहर, बाहर प्रैक्टिकल किया था, तो वो प्रैक्टिकल आपने खुद से बना के देखा उसको, हमारे सामने वो सामने ही वीडियो बनाया बनाया गया। और आप लोग कैसा वाला फॉर्मुलेशन लेके आ रहे हैं, मतलब उसमें आपने एक प्रीमिक्स लिया था, हाँ। उसमें और क्या क्या डाला, आप कुछ बताएंगे? मैं बाहर नहीं गया, मुझे ओटी नहीं पेस्ट पता। डाला था, ओटी प्रीमिक्स पेस्ट डाला था प्रीमिक्स, और कलर दाना, कलर दाना और नमक, वो जस्ट जस्ट वाला वाला नमक नमक डाला था था, जी। और डोलामाइट फ्री था? डोलामाइट नहीं नहीं डाला था, गया। डाले थे प्रीमिक्स। मैंने आपसे बोला था कि हम लोग डोलामाइट अगर 30 के आसपास जाते हैं फॉर्मुलेशन कॉस्ट, देखिए जो कास्टिक सोडा डाले कास्टिक सोडा भी हाँ था, प्रीमिक्स। प्रीमिक्स था, तो ये जो 30 रुपए के आसपास का हम लोग फॉर्मुलेशंस बनाते हैं प्रीमिक्स वाला भी, तो इसमें इंक्लूडिंग GST होता है, मतलब 30+ GST नहीं है ये, GST सरकार ही GST को जोड़ के 30 रुपए हमको कॉस्ट लगभग करेगा इसकी। परफ्यूम जो डाले थे हाँ, परफ्यूम तो देखिए सर जरूरी है मैम, और सब परफ्यूम मैम जरूरी है, हाँ। बिकॉज परफ्यूम हमारे ग्राहक को चाहिए होता है, ग्राहक की डिमांड है, इसमें दाना भी पड़ा होगा, हाँ। ठीक है। दाना डाल और कोई चीज थी अभी आपके मन में आ रही है? ये फॉर्मुलेशन है आपके पास, दिया लिखकर जियोलाइट डाला था। जियोलाइट का काम क्या होता है और प्रीमिक्स का काम क्या होता है, मैं थोड़ा आप लोग को और डिटेल में भी बता देता हूँ, हो सकता है मेरे कुछ ग्राहक जो देख रहे हैं दर्शक, उन तक भी बात पहुंचे। जियोलाइट का काम होता है किसी भी वॉशिंग पाउडर में, आप चाहे बाजार में कोई भी ब्रांडेड वॉशिंग पाउडर ले लीजिएगा, उससे पहले एक बोतल में डाल के थोड़ा सा या बकेट में डाल के झाग बना लीजिए, और उसमें थोड़ा सा मतलब परसेंटेज वाइज अगर बोला जाए तो 2 से 5% के बीच में जियोलाइट डलता है 100 किलो में, तो उसमें आप जियोलाइट ऐड करिए, आप देखेंगे कि इतना बेहतरीन ये वाटर सॉफ्टिंग करता है, चिकनाहट भी बढ़ाता है, झाग भी बढ़ाता है, और देर तक झाग टिकती है, टिकाऊ झाग बनाता है। तो जियोलाइट का काम होता है झाग को मजबूत करना, टिकाऊ बनाना, देर तक बने, और चिकनाहट को बढ़ाना, वाटर सॉफ्टिंग करना, बेसिकली पानी का खारापन कम होगा तो सब कुछ बढ़ेगा। यही चीज
हमने आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले ओटी पेस्ट के लिए भी कि ओटी पेस्ट झाग तो बढ़ाएगा, इसमें फोमिंग बहुत ज्यादा है, साथ में फोम स्टेबलाइजर्स भी पड़े, झाग देर तक उसमें भी टिकाऊ झाग बनाता है। प्रीमिक्स क्या है? प्रीमिक्स हमने आपको बताया था कि 10-12 आइटम लेने की जरूरत नहीं है, एक हमने उसका कॉम्बिनेशन बना रखा है, मिश्रण बना रखा है, क्योंकि आप यहाँ से दूर हो, अब आप 10-12 आइटम लेके बनाओगे तो रेट बहुत ज्यादा पड़ेगा, तो हमने कॉस्ट को बचाने के लिए क्या किया, आपसे बोला कि एक प्रीमिक्स ले लो, नमक अपने एरिया से ले लो, यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर जाएगा नमक, उसका भाड़ा लगेगा। नमक के लिए एक सवाल था, नमक जो अपन घर में यूज करते वही रहता है कि नहीं? सर नहीं, सर घर वाला नमक थोड़ा और ज्यादा रिफाइंड होता है और महंगा भी होता है, इसका इंडस्ट्रियल सॉल्ट मांगोगे किसी बाजार में, अगर आप इंडिया मार्ट पे भी जाओ, वहाँ पे इंडिया मार्ट एक आपके पास ऑप्शन होगा लोकली, वहाँ पे जाके सर्च करो इंडस्ट्रियल सॉल्ट, नागपुर में मिलेगा, नागपुर में मिलेगा, मिल जाएगा जी, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल सॉल्ट सर्च करो तो आपके पास आ जाएगा इंडस्ट्रियल सॉल्ट। उसमें आपको करना क्या है कि डस्ट मांगना है, डस्ट नमक, डस्ट, क्योंकि अभी हमने आपको डस्ट से बना के दिखाया, डस्ट नमक जल्दी घुलता है, इसकी जो सॉलिबिलिटी होती है, इसको हम कहते हैं ना घुलने की क्षमता, अब आप देखो चीनी को दाने वाली चीनी पानी में घोलोगे तो टाइम लगता है, ठीक है, और बिल्कुल नमक घोलो तो तुरंत घुल जाता है ना जी, ये तो आप लोगों ने देखा, तो यही चीज इसमें, अगर मोटे दाने वाला नमक डालोगे तो थोड़ा सा लेट घुलेगा, घुलेगा लेकिन थोड़ा सा लेट टाइम लगेगा, और डस्ट डालोगे तो जल्दी घुलेगा, तो अगर डस्ट के साथ वॉशिंग पाउडर के जो बाकी केमिकल चिपक जाएंगे और उसको आप डालोगे तो वो भी जल्दी घुलेंगे तो और जल्दी रिजल्ट देंगे और अच्छा बेहतरीन रिजल्ट देंगे, मोटे दाने में थोड़ा सा समय लगता है। अब ये पर्सनल चॉइस हो सकती है कि हमको मोटे दाने वाला नमक चाहिए कि डस्ट चाहिए, ये अपना अपना अलग अलग हो सकता है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि दोनों मिला के भी डाल सकते हो, लेकिन मैं अगर आप मेरे से पूछोगे कि आपके भैया क्या चॉइस है, तो मैं डस्ट ज्यादा यूज करता हूँ ताकि जल्दी रिजल्ट आए, और डोलामाइट फ्री भी बनाता हूँ, क्योंकि अब ये जो आपका वॉशिंग पाउडर बना है मैम, इसको आप वॉशिंग मशीन में भी यूज करें, चाहे आप हैंड से यूज करें, चाहे आप किसी भी प्रकार से करें, ये आपके किसी भी कपड़े को खराब नहीं करते, क्योंकि डोलामाइट नहीं डला, और मेरे ज्यादातर फॉर्मुलेशंस में डोलामाइट नहीं डलता, मैं अगर कभी मैंने आपको बताया था डालते भी हैं तो 2-5% डालते हैं ताकि थोड़ा सा ड्राई रखने के लिए, सूखा रखने के लिए, बरसात का सीजन है हल्का सा सूखा रखने के लिए डालते हैं, नहीं तो हम सिलिका भी यूज कर सकते हैं, सिलिका पाउडर एक आता है, इसमें नहीं डला है शायद, डला कलर जरूरत नहीं पड़ी, अगर आपको लग रहा है तो हल्का सा सिलिका पाउडर डाल दीजिए, ठीक है, 1% पड़ेगा 100 किलो में 1%, अभी मैं आपको जैसा आपका जो फॉर्मुलेशन है उसमें थोड़ा सिलिका पाउडर भी डाल के आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं, तो उससे बिल्कुल क्या होता है कि सिलिका क्या आता है, सिलिका भी दो तरीके की आती है, एक आती है प्रेसिपिटेटेड, एक आती है थोड़ी मोटी भारी, तो हम लोग प्रेसिपिटेटेड लेते हैं, मतलब बिल्कुल बारीक टेलकम पाउडर जैसी होती है सिलिका, और इसका जो मैश होता है सिलिका का वो 1000 से ऊपर होता है, तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि 25 किलो की बोरी 50 किलो जितनी बड़ी दिखती है, वॉल्यूम में बड़ी ज्यादा होती है, प्योर होती है, ठीक है, तो थोड़ा ही डालने पे 1 किलो भी 100 किलो में आधा किलो 1 किलो डाल देंगे तो आपका मॉइस्चर सोख लेंगे, तो जो आपका पाउडर होगा खींच लेता है, गीला नहीं होता, गीला नहीं होता, तो उससे जो पाउडर आपका बनेगा बिल्कुल फ्री फ्लो बढ़िया बनेगा, तो डोलामाइट डालने का जरूरत नहीं है, डोलामाइट क्योंकि सस्ता है लोग डालते हैं, लेकिन मैं यूज नहीं करता हूँ क्योंकि वो घुलता ही नहीं है, वजन बढ़ाने के लिए वजन बढ़ता है, नीचे बैठता है, नीचे बैठता है, कपड़े को भी खराब कर देता है। और सर कुछ सवाल आप लोगों के मन में आ रहे हैं? हमको डोलामाइट जो बताया था वो सर ने, किन्होंने, जो आपने कहीं और से लिया था जिन्होंने, देखिए सबका अपना अपना तरीका है, देखिए मैं किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि वो अच्छा है कि वो बुरा है, सबका अपना अपना तरीका है, सबकी अपनी अपनी नॉलेज भी है, जिसकी नॉलेज में अब हमको 150 से भी ऊपर तरीके के केमिकल्स पता हैं, जिससे हम जिनके कॉम्बिनेशन से हम वॉशिंग पाउडर को अच्छा बना सकते हैं, जिससे हम क्वालिटी में और सुधार कर सकते हैं, लोगों को 10-12 पता है 15 पता है तो वो उसी में घूमते हैं, उसी के हिसाब से बताएंगे, हमारे पास ज्यादा लिस्ट है, अब वही बात है ना कि YouTube पे आके अगर मैं ना 150 आइटम बताने लगूँ ना, आदमी कहेगा यार ये ना अब फर्जी बातें कर रहा है, ये तो मेरी नॉलेज थी, जैसे नॉलेज देंगे वैसे सीखेंगे ना सर, आपने जैसे नॉलेज दिए वैसे हम सीखेंगे ना, इजी था डिफिकल्ट तो नहीं लगा ना, हम जो यूज कर रहे थे वो झाग तो देता था और टिक नहीं रहा था, टिकाऊ नहीं बन रहा था, अभी ये टिकाऊ बना, 3-4 बार ट्राई किया। अच्छा आपने अभी जो बनाया इन्होंने प्रोडक्ट उसको आपने 3 बार किया ट्राई? मतलब तो 3 बार में आपको कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट पे आ गया, एक जैसा रिजल्ट तीनों बार दिखा? हाँ तीनों बार दिखा। चलिए एक अच्छी बात है, ये बहुत जरूरी भी है, मैं सभी दर्शक से कहूंगा बाजार में जाने से पहले एक प्रोडक्ट को कम से कम, मैं खुद भी कह रहा हूँ अगर आप मेरे से भी फॉर्मुलेशन लें
तो कम से कम 5 से 10 बार, ये तो मैं बोल रहा हूँ भाई, मैम लोगों ने 3 बार किया तो मैं कहूंगा कि 5 बार तो कम से कम मेरे फॉर्मुलेशन को भी बाजार में जाने से पहले जज कर लो, चेक कर लो, कोई कमी हो छोटी मोटी, ट्यूनिंग कहते हैं ना इसको, कि आपके एरिया में थोड़ा बहुत किसी ने बोला कि झाग कम है तो हल्का सा बढ़ा दिया, किसी ने बोला परफ्यूम बढ़ानी तो परफ्यूम, वो ट्यूनिंग होती है। तो जो भी आपको कराना है फोन से एक बार करा लो, बाजार में जाने से पहले परफेक्ट प्रोडक्ट बना लो, ठीक है। और आपको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि फलाना बाजार में प्रोडक्ट, जो भी बाजार में हम प्रोडक्ट देख रहे हैं ये बढ़िया चल रहा है, उससे हमारा प्रोडक्ट अभी बराबर या प्लस हो गया, ठीक है, तभी आपका कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। जब ये हो जाएगा ना तो ये गारंटी है, की टू सेल्स है, कि अगर कॉन्फिडेंस है तो मैं दूसरे को बता सकता हूँ। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट लेते हैं बाजार में, तो दुकानदार से कभी ऐसा हुआ होगा आप लोगों का कि आप किसी दुकान पे गए होंगे तो दुकानदार ने कोई अपना प्रोडक्ट आपको रिकमेंड किया होगा किसी और, मतलब पहले आप कोई और ब्रांड ले रहे होंगे, पर दुकानदार ने बोला होगा इसको नहीं, आप ये देखिए मेहंदी नया आया है इसको आप ट्राई करिए, ये बढ़िया है, ऐसा हुआ है कि नहीं आप लोगों के साथ? होता है जी। तो आप एक बार तो उस पर ट्रस्ट बना लेते हो, और अगर वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकलता है तो वापस आप उसी प्रोडक्ट पे जाते हो जो पहले आप यूज कर रहे थे। लेकिन ऐसा कभी आपके साथ हुआ है किसी प्रोडक्ट के साथ कि आपने दुकानदार ने बोला फिर यूज किया, फिर आपने वही प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया? वो भी होता है। तो ये अगर आप एक बार दुकानदार से अपनी बात भी करोगे ना और उसको ये कॉन्फिडेंस दिला दोगे ना कि मैं जो आपको प्रोडक्ट, हम लोग आपके लिए प्रोडक्ट लेके आए वॉशिंग पाउडर का, ये बाजार में मिलने वाले, इसका वीडियो देखो, मैं हमेशा वीडियो पे बिलीव करता हूँ, जो आंखों से दिखता है उसको ही करो, ठीक है, फेक नहीं, नेचुरल। अभी भी हम लोग देखिए नेचुरली बात कर रहे हैं, कोई इसमें एक स्क्रिप्ट नहीं है। तो आप भी एक वीडियो बना लो बाजार में जाने से पहले, और देखिए वीडियो क्या होता है कि अब मैं हर एक को कर करके तो नहीं दिखा सकता, नहीं सर, मेरे पास तो लाखों व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, अगर मैं लाखों बार उसको करूंगा तो मैं तो थक जाऊंगा, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा फिर। तो एक वीडियो बना लिया, उस माध्यम से लाखों लोगों तक जा रहा है, तो आप भी एक वीडियो माध्यम से अपनी चीज को करके दिखा लो अभी, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आ गया प्रोडक्ट पे, अब आप वीडियो बना सकते हो कि बाजार में देखो ये 2 बकेट हैं, एक बकेट में मैंने अपना ले लिया, दूसरा एक ब्रांडेड डाल दिया, सेम पानी है, सेम समय, एक घड़ी से समय नोट करके देख लो कि 20-30 सेकंड इधर झाग बनाया, स्टॉप स्टार्ट करो और स्टॉप, एक बंदा ऐसा कर ले, एक बंदा वीडियो बना ले, एक बंदा उसको पूरा इसका वो कर ले, और बगल में आप एक ब्रांडेड प्रोडक्ट को भी कर लो, दोनों का झाग सामने सामने दिख जाएगा, आपको किसी को कुछ जवाब दे ही नहीं, आपको जो दिख रहा है वही बिलीव करेगा आदमी, ठीक है। और ये मेरा भरोसा है क्योंकि हमारी टीम का भरोसा है, और अभी मैं आपको ये भी बात आपको भी कह रहा हूँ कि आप भी और एक बार दो बार और करना चाहो जाने से पहले कर लो, क्योंकि यहाँ के जाने के बाद जब बाजार में आप प्रोडक्ट दोगे ना तो कुछ ना कुछ लोग कमी निकालेंगे, कमी तो निकलते सबके अलग अलग रही थी ना सर, अलग अलग सोच भी। अब किसी को तीखा ज्यादा पसंद है तो वो बताएगा खाने में मुझे तीखा कोई नहीं, अच्छा है, नहीं है वो घड़ी चच्चा है, कभी कभी कुछ बताएगा, कभी कुछ बताएगा, सबकी राह अलग अलग होती है, झाग कम होगी एक के लिए, सफाई कम होगी एक के लिए, चिकनाहट कम होगी, आप भी कंफ्यूज जाओगे कि मैं क्या करूं यार, हर बंदा अलग अलग डिमांड कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, समय देना है चीज को, कोई भी ब्रांड एक दिन में नहीं बना है, ठीक है। और जो व्यक्ति आपसे बोलता है ना कि प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे अप्रोच क्या है, मतलब आज मैं सीक्रेट बता रहा हूँ अपना, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ परफ्यूम बढ़ा देता हूँ, उससे क्या होता है ना कि बहुत, और व्यक्ति को ये विश्वास दिलाता हूँ कि हाँ मैंने इसको सही कर दिया, क्योंकि मैंने अपने प्रोडक्ट को पहले ही चेक कर लिया है, लैब में चेक कर लिया, मैंने रिपोर्ट बना ली लैब में, वो बोल रहा है लैब रिपोर्ट की मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, उसके बाद भी लोग कमी निकालते हैं, तो फिर मैं उसको छेड़ता नहीं हूँ, उस फॉर्मुलेशन को बार बार छेड़ने से मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा और सिस्टम को खत्म कर लूंगा, तो मैं सिर्फ क्या करता हूँ परफ्यूम को उड़ा देता हूँ। उससे क्या होता है, जब वो पैकेट खोलता है ना, और मैं भी बोलता हूँ कि इस बार तुम्हारी बात मैंने सुनी और मैंने इसको सही कर दिया, तो जब पैकेट खोलता है ना तो उसको परफ्यूम और ज्यादा तेज दिखती है, तो उसको लगता है कि यार हाँ भैया ने मेरी बात सुनी। तो यही एक कहते हैं ना कि भाई देखो, अपने इंडिया में एक छोटी सी बात है, हर बंदा यहाँ पे ना चौधरी बनता है, चौधरी का मतलब है कि आप किसी से कोई भी एडवाइस लोगे ना, वो आपको फर्जी का आगे का ज्ञान देगा, ठीक है, और आप उसको मान लोगे तो वो शांत हो जाएगा, नहीं मानोगे तो फिर तुम कहेगा मैं तो बोल रहा था ऐसा करो, ऐसा होता है कि नहीं मैम? बराबर है। तो यही चीज है कि हम चीजों को देखो, किसी की डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करनी है, उसकी भी बात रखी रह गई, और हमने अपनी तरफ से चीज को भी एटलीस्ट परफ्यूम तो सुधारी दी, बाकी चीज तो लैब रिपोर्ट बोल ली अच्छी है, तुम बार बार उसको क्यों चेंज करें,
ये बता दी कि इस ब्रांड से बेटर है हमारा, तो हम उसको बार बार और बढ़ाने से उसमें कोई सेंस नहीं बनता, कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट को भी तो हमको कंट्रोल रखना है हर चीज़ की। तो हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल रखते हुए बस थोड़ी सी परफ्यूम को बढ़ा देते हैं, जिससे आदमी का एक जो परफ्यूम एक ऐसी चीज़ है ना सर, आप लोग आकर्षित करती है। और एक चीज़ बताता हूँ, देखो एक पैकेट को बिकने का सबसे पहला सिस्टम क्या होता है, पैकेट आप बाजार में देखते हो तो पैकेट देखने में खूबसूरत होना चाहिए। हाँ। खूबसूरत होगा तो एक बार आप वहां से उठाओगे, वहां तो यूज करोगे नहीं दुकान में, घर आके यूज करोगे। तो घर आके जब लेके आते हो तो सबसे पहले पैकेट को खोल के आदमी खोलते ही उसको सूंघता है, ठीक है। अगर वहां पे बदबू आई तो आप भले ही उस पाउडर की क्वालिटी बहुत अच्छी हो बाकी चीजों में, लेकिन अगर वो अच्छी मतलब खुशबू नहीं दे रहा है तो आपके मन में अपने आप से ख्याल आ जाता है कि यार ये पता नहीं कैसा होगा, अच्छा है कि नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे पैकेट खोलते एक बहुत मस्त सी रिफ्रेशिंग सी खुशबू आएगी तो उसके टूवर्ड्स आपकी लाइकिंग और बढ़ जाएगी। आप पहले से मान लो कि अरे यार खुशबू तो बहुत अच्छी है, मतलब पाउडर अच्छा हो गई, हमारा मन खुद को ही बोल देता अपने आप से। तो खुशबू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वॉशिंग पाउडर या FMCG के कोई भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में, या खुशबू से बहुत सारे लोग एक व्यू पॉइंट बना लेते हैं चीज के टूवर्ड्स की, वो अच्छा है कि नहीं है। और इसीलिए हम लोग डियो लगा के निकलते हैं तो लोग हमारे भी ऑर्डर से और खुशबू से एक व्यू पॉइंट बना लेते हैं कि यार ये अच्छा महक रहा है, मतलब अच्छे से इसने ड्रेसअप किया है, अच्छा है, एक एक मन में ख्याल ऐसे हो जाते हैं। तो खुशबू एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा बस खुशबू उड़ा देते हैं, जिससे अब वो पैकेट खोलेगा सूंघेगा और उसके मन को खुद से आवाज आएगी यार ये तो अच्छा है, और वो अच्छा है भी, ऐसा नहीं कि वो खराब था, क्योंकि हमने भी उसको लैब लेवल पे चेक किया तो वो तो अच्छा है ही है। लेकिन कस्टमर को ये फील हो जाना चाहिए कि वो अच्छा है, जब वो उसको उस नज़रिए से देखेगा, उस नज़रिए से चेक करेगा तो अच्छा हो जाता है। अब देखिए बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक, कई तरीके का, अभी मैंने आपको लैब रिपोर्ट दिखाई, सबकी अलग अलग लैब रिपोर्ट में कुछ ना कुछ कम ज़्यादा है, ठीक है, मतलब उसके जो पैरामीटर्स हैं किसी में कुछ कम है किसी में कुछ ज़्यादा है, मैं ब्रांड के नाम नहीं लूँगा, लेकिन किसी का कम है कुछ, लेकिन जिसका कम भी है वो ज़्यादा सेल कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसने अपनी एड से, अपने एक मीडिया से, सोशल मीडिया से या प्रिंट मीडिया से या टीवी एड से या जैसे भी, एक अपनी ना एक दुनिया बना रखी है, तो जो व्यक्ति वो देखता है तो उसको मान ही लेता है कि वो अच्छा है, भले ही वो लैब लेवल पे उसकी वैल्यू कम हो, लेकिन टीवी लेवल पे और उसी हिसाब से उसको जज भी करता है। अभी मैं एक ब्रांडेड आपको मटेरियल दे देता हूँ, दो ब्रांडेड मटेरियल, और आपसे बोलूँ मेरा उसमें कोई मटेरियल नहीं होगा, और आपसे बोलूँ कि इन दोनों में से आप चेक करके बताओ कि ए अच्छा है कि बी अच्छा है, तो आप लोग खुद नहीं बता पाओगे। अगर वो ब्रांडेड, अगर ब्रांडिंग का पैकेट मैं आपके सामने दिखा दूँ तो आप मेरे से ये नहीं बोलोगे कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है, लेकिन अगर मैं उसको सिर्फ पाउडर निकाल के आपको दे दूं और पैकेट छुपा दूं और आपसे पूछूं कि ये अच्छा है कि अच्छा, तो उसमें से एक आप बता दोगे कि ए अच्छा है कि बी अच्छा है। लेकिन अगर मैं पैकेट के साथ आपके सामने रख दूं कि भैया ये देखो ये फलाना ब्रांड बहुत अच्छा ब्रांड है और ये देखो दूसरा ब्रांड, तो आपके मुंह से ये आवाज नहीं निकलेगी भैया ये अच्छा है, क्योंकि ये ब्रांड का इफेक्ट है। क्योंकि आदमी जब ब्रांड एक बन जाता है ना और देख लेता है ना, तो उसकी वो बुराई कर ही नहीं पाता, ब्रांड से भी कपता है। हाँ जी, ब्रांड से कपता है, बोलियो। हाँ, वो बुराई नहीं करता है, ठीक है, तो अपने आप से वो मान लेता है कि ब्रांड है तो अच्छा ही होगा। ज्यादा चलता है हमारे इधर, हमारे अच्छा है, मेंटली सेट हो गया है, ठीक है, दिमाग में भर देते हो कि और हम लोग एक नया ब्रांड लेके जा रहे हैं, हमारी अभी वैल्यू बनी नहीं, हमने तो ये बातें फीड नहीं करी किसी के दिमाग में, तो हमको ना मेहनत करके ये सब काम करना पड़ता है, हम भी मेहनत करते हैं। मेरा भी ब्रांड है एम बस के नाम से, हाइट्रान के नाम से, वॉशिंग पाउडर का भी है और केक भी है और भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो हम लोग को भी हर एक व्यक्ति के सामने ना इसको करके दिखाना पड़ता है। मेरी सेल्स टीम जाती है ना तो वो क्वालिटी को चेक कराती है, वीडियो के माध्यम से शेयर करती है, लैब रिपोर्ट्स हम लोग देते हैं, तब आदमी को उस पर ट्रस्ट होता है, और ट्रस्ट एक दिन में नहीं होता, टाइम भी लगता है, 3 से 6 महीने एक एरिया में हमको मेहनत करनी पड़ती है, हताश नहीं होना, ठीक है, यही सक्सेस की चाबी है, हताश नहीं होना, बंद मत करो। अगर आपने देखिए पता है, अगर ये नहीं बेच पाए ना वॉशिंग पाउडर तो कुछ नहीं बेच पाओगे, खाने पीने के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम ही वॉशिंग पाउडर, रोज का यूज करें, रोज का यूज है। अब आपके आपके घर में 5 से 10 सदस्य होंगे कम से कम, हर एक औसतन परिवार में अपने इंडिया में है 20 से 25 जोड़ी कपड़े निकल रहे हैं, आप नोट कर लेना, रोज ये रोज निकल रहा है, अब आज धो कल धो परसों धो, ये रोज निकल रहे हैं 20 जोड़ी कपड़े। एक वॉशिंग पाउडर का पैकेट ज्यादा से ज्यादा 7 दिन में खत्म हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा बता रहे, किसी घर में 4 दिन में भी खत्म हो जाता है, किसी घर में 7 दिन में खत्म होता है, एक घर में 4 से 5 पैकेट आ रहे हैं महीने में, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, 4 से 5 किलो।
आता है आपके घर में? हाँ। आप भी यूज करते ही होंगे। तो अगर आप ये नहीं बेच पाओगे तो क्या बेचोगे बताओ? बराबर रोज का तो सोचने वाली बात है, बिकता सब है, लेकिन बस आपको बाजार में जाने से पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपने उसको दूसरे चार ब्रांड से चेक कर लिया, अब सामने वाला उसकी बुराई भी करे तो आपको उसको चेंज नहीं करना है, एक ही बार में सही कर लो। अगर आपने उसको बार बार चेंज किया तो आप एक लूप में फंस जाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर उसको बंद कर दोगे। ये मत करो, बस मैंने आपको ट्रिक दी कि थोड़ा सा बुराई तो करेंगे, नया ब्रांड है अभी आपकी कोई वैल्यू नहीं बनी। अच्छे की भी बुराई करते सर, अच्छे की भी करते हैं, बुरे की भी बुराई करते हैं। तो उससे परफ्यूम बढ़ा लो, बराबर सर, ठीक है, परफ्यूम डालोगे वॉशिंग पाउडर में, उसके बाद प्रेजेंट करोगे वही चीज जिसको खराब लग रही होगी वही चीज उसको अच्छी लग रही। ये माइंडसेट है बस। तो इसको हम कहेंगे ना, एक माइंडसेट से कैसे हमको प्ले करना है बाजार में, ठीक है, लोगों को कैसे बताना है कि हम भी एक अच्छी चीज लेके आ रहे हैं। नहीं तो सर्फ एक्सल को फाड़ो, बड़े से बड़ा ब्रांड है, आप अपने पैकेट में डालो, ठीक है, और सब कम वाले रेट वाले पैकेट में डालो, और उसको जब आप लोगों को दे दोगे ना तो भी लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। मतलब मेरा बस कहना यह कि 130 रुपए 200 रुपए वाला भी कोई ब्रांड बाजार से उठा लाओ, उसको एज इट इज फाड़ के अपने 70 वाले पैकेट में भर लो और 10 लोगों को बना के देना, उसमें भी देखना लोग कमी निकालेंगे, कमी निकालेंगे, क्योंकि वो आपके पैकेट में, ठीक है, अंदर की वैल्यू नहीं है, पैकिंग की वैल्यू, आपकी वैल्यू देख रहे हो। तो समय लगता है वैल्यू बनाने के लिए, और वैल्यू बनेगी कैसे? एड्स से, और कैसे बनेगी? स्कीम से, और कैसे बनेगी? क्वालिटी मेंटेन रखकर, ठीक है, और अपनी बात पहुंचाना भी बहुत जरूरी है, मार्केट में बने रहो। अगर आप थोड़े दिन करा और डिस्करेज होके बंद कर दोगे तो बंद हो गया। मेरे पापा ने एक चीज़ सिखाई है, जिस झाड़ में कोई चीज़ गिरती है ना उसी झाड़ से निकलेगी। एक कटीली झाड़ है उसमें आपके पैसे गिर गए ना उसी झाड़ से निकलेंगे। अब आपका लॉस हुआ ना वॉशिंग पाउडर का, वॉशिंग पाउडर से ही निकलेगा, किसी और चीज़ में निकालने की कोशिश करोगे तो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो बने रहो, ये काम अच्छा है, हिम्मत रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, जिससे भी आप सलाह ले रहे हो, जिससे भी आप जुड़ रहे हो उस पर भी थोड़ा फेथ रखो, और आंखों से भी चीज़ को जज करो कि वो चीज़ क्या हम जो देने जा रहे हैं अब वो मार्केट के स्टैंडर्ड के बराबर है, क्योंकि क्वालिटी से ही ब्रांड बनेगा। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अब ब्रांड्स रिपीट से ही ब्रांड बनेगा, क्वालिटी से आएगी रिपीट, रिपीट से बनेगा ब्रांड, और कोई तरीका नहीं, ठीक है। इसके अलावा कोई तरीका आपको दिख रहा हो तो बताएं मुझे भी, या किसी को दिख रहा है। चीप प्रोडक्ट्स के थ्रू मत जाएं, चीज़ों को सस्ता मत करो। मैंने आपको ये भी बताया कि क्या एमआरपी से आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए, ये बात बताई थी ना भी आपको, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी अगर एमआरपी 100 रुपये है तो लगभग कॉस्ट प्राइस 40-45 रुपये के आसपास होनी चाहिए, तभी उस कॉस्ट उस प्राइस को जस्टिफाई करेगा। 40-45% पे एमआरपी के 40-45% पे आपकी कॉस्ट, अब आपकी एमआरपी 70 है तो लगभग 30 रुपये होनी चाहिए। आपकी एमआरपी 100 में अगर 3 किलो भी कई लोग बेच रहे हैं, हाँ, वीडियो में देखा होगा, हाँ, हाँ, तो कम से कम 18-20 रुपये के आसपास उसकी कॉस्टिंग आनी चाहिए। उससे नीचे कई लोग 15 का बना लेते हैं, कई लोग 12 का बना लेते हैं, वॉशिंग पाउडर वो सक्सेस नहीं है, वो नहीं होता, ठीक है जी। तो मैं यहीं पर इस वीडियो को एंड करूँगा, काफ़ी देर से हम लोग बात कर रहे हैं, एंड और कोई तो सवाल नहीं है, मतलब सेल्स की बात क्लियर है, प्रोडक्ट की बात क्लियर है, आना सफल रहा कुल मिला के 1000 किलोमीटर मैंने टाइम दिया आपको, आपसे बात होकर ये भी हमने सोचा नहीं था, आपको मैंने टाइम दिया पूरा पूरा टाइम, मैं सबको देता हूँ, मैं सबको देके टाइम देता हूँ मैम, और जो भी व्यक्ति ऑफिस आ रहा है, देखिए फोन से मैं बहुत कनेक्टेड नहीं हूँ लोगों से, क्योंकि क्या होता है कि जैसे अब आप आए तो मेरा पूरा फोकस मैंने आपको बोला ना आपके ऊपर है, अभी मैं और कुछ नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे उससे बात करनी है उससे बात करनी है, जो सामने बैठेगा मैं उससे बात करूँगा, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम पहले है, उसकी समस्या हम सॉल्व करेंगे। माय टीम पूरा ट्रेन टीम है, अगर आप इनसे भी पूछोगे ऑफिस आवर्स में सुबह 11 से शाम के 7 बजे के बीच में, तो ये भी आपको पूरी नॉलेज देंगे। मैडम का नंबर है ना हमारे पास, आपके पास है? आकांक्षा, आकांक्षा मेरी वाइफ है, ठीक है, तो उनका आज वो आई नहीं, आज वो आई नहीं है, आज मेरी बेटी की तबीयत अच्छी नहीं है, एक्चुअली उसको थोड़ा प्रॉब्लम था तो वो इस वजह से रुक गई, ठीक है, तो नहीं तो वो रहती है, कल भी थी ऑफिस में, तो वो रहती हैं, तो आप उनसे बात करिए, वो आपसे मेरे को जल्दी कनेक्ट कराएंगी, अगर कनेक्ट करना मेरे से तो आकांक्षा मैम के नंबर पे आपके पास जो है उस पर आप कनेक्ट कर लीजिए, नंबर है, हाँ, तो वो मेरी वाइफ है, वो उतनी नॉलेज रखती है जितना, नहीं तो वो मेरे से पूछ लेती है, अगर नॉलेज कम भी होता तो अगल बगल हम लोग ज्यादातर रहते हैं तो वो मेरे से पूछ पूछ के आपको बताती हैं। बाकी और भी टीम है, तो आप लोग कनेक्टिव रहिए, सुबह 11 से शाम के 7 बजे तक हम लोग ऑफिस आवर्स में
बात करते हैं, कर ही रहे हैं, टीम कर ही रही है, बाहर देखोगे बात कर ही रही है। अगर किसी वजह से कोई भी व्यक्ति मिस भी हो रहा है तो मैं आपसे भी कहूंगा और मैं सभी दर्शकों से भी कहूंगा, प्लीज तीनों नंबर जो मैं हर रोज डाल रहा हूँ अपने यूट्यूब पे, उन तीनों पे व्हाट्सअप है, आप अपनी प्रॉब्लम मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। सर व्हाट्सअप से क्या होता है कि अभी फ्री होए, कल फ्री होए, शाम को फ्री होए, तो आपको कॉल बैक करके आपको कनेक्ट कर लेंगे, तो व्हाट्सएप पे तो कहीं नहीं जाएगा ना, नहीं, है ना। और ऐसे क्या होता है कि दिमाग से निकल जाता है, व्हाट्सएप से क्या होता है कि सामने मैसेज पड़ा रहता है, तो अभी हम मान लीजिए बिजी हैं, दूसरे कॉल पे हैं, किसी वजह से उसको आपका कॉल नहीं उठा पाए, व्हाट्सएप आपने कर दिया मेरे को अपनी समस्या या अपनी पूरी बात, कई लोग सिर्फ हाय लिख के छोड़ देते हैं व्हाट्सएप पे, हाय, अब मुझे नहीं पता उनके साथ क्या करना है, हाय लिखा तो मैं भी लिख देता हूँ हाय। तो अगर आप अपनी पूरी बात लिखें, अपना नाम लिखें, अपना लोकेशन लिख दें और आपकी समस्या लिख दें, तो हम उस चीज़ को वैसे ही कनेक्ट कर लेंगे। आपने लिखा कि मुझे वॉशिंग पाउडर में झाग नहीं आ रही, ऋषभ भैया एक बार कॉन्टैक्ट करवा दीजिए या इसकी सोल्यूशन दे दीजिए, जैसे ही जो बंदा भी फ्री होगा आपको तुरंत कॉल करेगा और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा, आपसे बात करेगा, पूरी बात आपसे डिस्कस कर लेगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमको भी ना पूरी बात करनी पड़ती है, आपकी भी बात मैंने पहले सुनी कि आपकी प्रॉब्लम क्या रही थी, उसके बाद ही फिर मैंने आपको सजेशन दिया कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे आगे बढ़ो। अच्छा नागपुर सर मैम, मतलब कैसा, वैसे मंडी कैसी, वहाँ का काम का कैसा है वहाँ का नागपुर में? अच्छा है ना सर, रामटेक, रामटेक नागपुर से, रामटेक नागपुर है। अच्छा, 30 किलोमीटर दूर, रामटेक मतलब मेन सिटी से नहीं है, थोड़ा आपका डिस्ट्रिक्ट रामटेक तालुका। ओके, तो आप फिर गए होंगे ट्रेन से नागपुर और वहां से आपने कानपुर की ट्रेन ली होगी, राइट? नागपुर से मतलब काफी जर्नी करके यहां थक भी गए होंगे। हमारे रामटेक में राम जी का मंदिर है। अच्छा अच्छा, राम जी का, राम जी रुके थे। अच्छा, रामटेक, वेरी नाइस। चलिए कभी हमको मौका लगा तो आप लोग के पास मैं जरूर आऊंगा। रामटेक से भी आगे है हम 7 किलोमीटर नगरधन। अच्छा अच्छा, बड़ी बस्ती है, बड़ी बस्ती हमारी ऐतिहासिक नगरी है। अब देखिए ऐसे ही एक परिवार बढ़ता है, अब आपने, मैं भी मिल लिया आपसे, आपने भी मेरे से बात कर ली, आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ, और आगे कभी हम लोग एक दूसरे के सामने आमने सामने कभी उस साइड आया मैं, तो मैं, मुझे पता है कि मुझे किस घर में फोन करना है। चलिए, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए, थैंक यू इतनी दूर से आने के लिए। और दर्शकों से बस इतनी सी बात है, ये एक हम लोग ऐसे चिट चैट कर रहे थे, एंड आपका कोई भी सवाल, कोई भी प्रॉब्लम, मतलब रिलेटेड टू वॉशिंग पाउडर ओनली और 10 प्रोडक्ट जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हम लोग बताते हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगी कमेंट करके बताइए, व्हाट्सएप पे मुझे पूरा बता दीजिए अपनी प्रॉब्लम, अपना नाम, अपनी लोकेशन, अपनी प्रॉब्लम, तो जैसे ही हमारी टीम फ्री होगी आपको कनेक्ट कर लेगी। दूसरा 4 सितंबर को, बस एक हफ्ता रह गया है, हम लोग का एक सेमिनार हो रहा है, ऑफिस में ही हो रहा है, एक दिन का है, कानपुर में ही है। इसमें 10 प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होगी, इसमें आपको लंच, इसमें आपका सर्टिफिकेट एक आपको मिलेगा और आपको एक मेंबरशिप कार्ड भी हम लोग देते हैं। इसकी फीस सबसे कम है पूरी इंडिया में हमारी, 2000 ओनली। इतना सब कुछ एक ही दिन में हो जाएगा, एक दिन की है, आप आ सकते हैं, उसको ज्वाइन करिए, 10 नए बिजनेसेस करना सीख सकते हैं कानपुर में। हाइटा इंडस्ट्री 60 ईयर से ये सब लोगों को सिखा रही है, और सर आपने यहाँ पे देखा ट्रेनिंग हो ही रही है, डेली ट्रेनिंग हम लोग कर ही रहे हैं, और यहाँ आपने सब फैक्ट्री भी देख ली नीचे, सामने भी देख ली फैक्ट्री, ये सब हमारा ही सेटअप है, ये दोनों ऑफिस हमारे हैं, बिल्डिंग हमारी आमने सामने है, ठीक है। और आप मेरे स्टाफ से भी बात करते हैं, यहाँ पे बनते हैं सर ये सब चीजें, प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग बनाते हैं, जो अभी आप लोग, जिसकी हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे सभी लोगों को। और आप लोग मेरे स्टाफ से जरूर बात करके जाना, आपको पता चलेगा कि कितने साल से वो यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब कोई 40 साल से है, कोई 30 साल से है, तो आपको एक ये भी पता चलेगा कि अगर मैं बार बार 60 साल कर रहा हूँ तो एक्चुअली कंपनी पुरानी है, ठीक है। 3 पीढ़ियों से हम लोग काम कर रहे हैं, 3 पीढ़ियों का एक्सपीरियंस रखते हैं। मेरी भाई इतनी एज नहीं है, मैं 37 साल का हूँ, 37 ईयर्स, लेकिन क्योंकि 3 पीढ़ी मेरी ही फैमिली की है तो मुझे वहाँ से एक्सपीरियंस मिलता है, इसलिए मैं बोलता हूँ मेरा भी एक्सपीरियंस 60 साल का फैमिली का है। तो प्लीज़ इस बात को उस तरीके से रखें, एंड थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताएं, अगर कोई भी समस्या है तो कमेंट करके बताएं, नहीं तो आप ऑफिस आ सकते हैं 11 से शाम के 7 बजे, संडे ऑफ होता है, संडे अवॉइड करिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, नमस्कार।